हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब दोस्त अच्छे होंगे। आज अपनी बाइक की सर्विस कराने वाले हैं। सर्विस में हम क्या करेंगे दोस्तों, इंजन ऑयल जो है बस वही चेंज कराने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है हम अपने बाइक का इंजन ऑयल कौन सा चेंज कराते हैं और कितने टाइम में कराते हैं। देखो, इंजन ऑयल क्या है कि बिल्कुल ही नील है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हो दोस्तों, बिल्कुल ही देखो बिल्कुल ही नील है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, अपनी बाइक का जो है जितना भी अपना इंजन ऑयल है जितना भी निकले, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल लो ही गया हुआ बिल्कुल, या जो बाइक है वो बिल्कुल ही सूखी चल रही होगी विदाउट इंजन ऑयल। थोड़ा बहुत होगा 10 से 15 ml मेरे हिसाब से, तो देखो इतना ही निकल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं निकल रहा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, अपने इंजन में पेट्रोल थोड़ा सा फिलअप कराएंगे। पेट्रोल से क्या होगा दोस्तों, जितना भी गंदा या जो बचा हुआ इंजन ऑयल है वो निकल जाएगा, और जो इंजन के अंदर के जो पार्ट्स है वो भी अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएंगे। बाकी दोस्तों, मैं तो अपनी बाइक में जो है इंजन ऑयल जब दोबारा से डलवाता हूँ या नया डलवाता हूँ या सर्विस कराता हूँ, एक बार इंजन में क्या है कि पेट्रोल फिलअप करा देता हूँ। बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, मैं अपनी दोस्तों जिम्मेवारी पे ये चीज़ें करवाता हूँ, ना तो कोई मैकेनिक ये रिकमेंड करेगा कि आप इंजन ऑयल इंजन में पेट्रोल फिलअप कराओ, ठीक है। ये मैं अपनी मर्ज़ी से कराता हूँ। अपना अब पेट्रोल डलने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। अपनी बाइक से पेट्रोल जो है भैया वो निकाल के ले आए हैं। अब ये डल गया अपने इंजन में पेट्रोल, देखो पेट्रोल ये दोस्तों। और हाँ, जब ये पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाओ, इंजन में डलवाओ सॉरी, तो ये देख लेना बाइक आपकी ठंडी हो, ऐसा ना बिल्कुल गर्म हो, साइलेंसर भी गर्म हो, तो उससे क्या है दोस्तों बाइक में आग लगने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अच्छी तरीके से बाइक को ठंडा होने दे, उसके बाद जो है ये पेट्रोल वाला प्रोसेस ये करवाए, ठीक है दोस्तों। अब ये डल चुका है अपनी बाइक के अंदर लगभग, ये क्या है दोस्तों आधे लीटर से थोड़ा सा कम हमने अपनी जो बाइक का इंजन है उसमें हमने पेट्रोल डलवाया है। बाकी बाइक की जो कंडीशन है काफ़ी गंदी है, काफ़ी दोस्तों गंदी हो रखी है, मिट्टी लग रही है, इसकी हम दोस्तों वॉशिंग कराएंगे, इस पर माइंड मत करना दोस्तों। अब जो पेट्रोल अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया है भैया ने, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे हम दोस्तों, इसका जो कैप होता है ना इंजन का कैप, जिससे हम इंजन ऑयल डालते हैं, उसको हम कस देंगे। भैया अभी कस रहे हैं, ठीक है। ये काम मैं खुद भी कर सकता था घर पे, बाकी मैं मैकेनिक के पास गया दोस्तों, मैकेनिक ने मेरे से ज़्यादा पैसे भी नहीं लिए, 20 रुपये का दोस्तों जो काम है वो मेरे को पूरा करके दिया है, ठीक है। अब जो मैंने पेट्रोल डाला था इंजन में वो देखते हैं कैसा निकलता है अंदर से, ठीक है दोस्तों, उसका डालने का कुछ फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ऑलमोस्ट पेट्रोल जो है दोस्तों वो निकल चुका है, देखो कितनी गंदी कंडीशन में निकला है, बिल्कुल जो काला है वो होके निकला है पेट्रोल, देखो आपके सामने है, देखो कितना गंदा जो पेट्रोल है वो निकला। जितना भी दोस्तों डर्ट होगा अंदर या एक्स्ट्रा बचा हुआ जो पेट्रोल वो अपना इंजन ऑयल है वो भी सारा निकल गया है पेट्रोल की मदद से, ठीक है। अब कहीं हद तक इंजन का जो जितने भी पार्ट्स है सब अंदर से क्लीन हो चुका है, अब धीरे धीरे दोस्तों ये निकल रहा है अंदर से। बाकी बाइक की कंडीशन काफ़ी गंदी हो रही है, डस्टी हो रही है दोस्तों। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में इस बाइक को दोस्तों मॉडिफाई करेंगे, अपनी को क्लीन करेंगे, रीपेंट का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कराएंगे। बिजनेस के कारण दोस्तों यार टाइम नहीं मिल पाता इन चीज़ों का दोस्तों, अपनी दुकान भी देखनी पड़ती है और भी काम दोस्तों, तो इसलिए ये चीज़ें नहीं कर पाता। अब ये मोटोइल का जो इंजन ऑयल है ये वाला हम फिलअप कराएंगे। आपको जैसे पता है अपने बाइक में हम मोटोइल का ही इंजन ऑयल कराते हैं। अब ये भैया ने कुछ जुगाड़ सा बनाया, पता नहीं क्या जुगाड़ ले रखा है, ये अपना इंजन ऑयल फिल हो रहा है अपने बाइक के HFD लक्स के अंदर, ठीक है। ये धीरे धीरे फिल हो रहा है, पता नहीं क्या जुगाड़ बना रखा था, चलो कोई नहीं। अब दोस्तों बाइक का इंजॉय करो कैसे कैसे अपनी बाइक में इंजन ऑयल फिलअप होता है। अपना इंडिया जो है दोस्तों इन्हीं चीज़ों से जाना जाता है, कोई ना कोई जुगाड़ करके हम अपना काम जो है वो निपटा लेते हैं, ठीक है। इससे बात नहीं बनी तो भैया ने सोचा चल डायरेक्ट बोतल से डाल देता हूँ, तो डायरेक्ट बोतल से और इंजन ऑयल कुछ इस प्रकार देखने को मिलता है मोटोइल का, ठीक है।
और इस मॉड्यूल से क्या है दोस्तों, आपकी जो बाइक का पिकअप है या बाइक की एवरेज है और जो बाइक स्मूथनेस है, वाइब्रेशन है, वो कहीं हद तक इससे दोस्तों कंट्रोल हो जाती है। क्योंकि शुरू से ही मैं जो है मॉड्यूल का जो इंजन ऑयल है वही यूज़ करता हूँ, कोई दूसरा एक्स्ट्रा जो अलग अलग कंपनी के जो मार्केट में चल रहे हैं वो यूज़ मैं नहीं करता दोस्तों, ठीक है। अब अच्छी तरीके से अब जो भैया है वो डाल देते हैं। अब इससे क्या होता है दोस्तों, लगभग मैं इसको 4 साल से 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ इसी बाइक में ये सेम इंजन ऑयल। इससे क्या दोस्तों, बाइक का पिकअप भी मेरा बिल्कुल मेंटेन है और ना तो कोई ज़्यादा वाइब्रेशन होती और एवरेज भी ठीक ठाक निकाल देता है। मेन तो क्या है दोस्तों, पिकअप इससे मेरे को बहुत बढ़िया मिलता है, ना तो मेरी बाइक का जो पिकअप है वो कम हुआ है। जैसे कि चार पाँच साल हो गए मेरी बाइक को, तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि बाइक का पिकअप है वो डाउन हो गया हो, ठीक है। इंजन जो है वो फिलअप करा लिया दोस्तों। अभी तक आपने वीडियो यहाँ तक देखी और उसका दोस्तों आपका तहे दिल से शुक्रिया। और अपने वीडियो पे जो दोस्त पहली बार आए जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि हम बाइक से रिलेटेड ऐसे ही अब इंजन ऑयल जो है वो चेक कर लेते हैं, पूरा फिल हो चुका है, फुल हो चुका है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते हैं दोस्तों और आने वाला टाइम में लेते आए रहेंगे। और टाइम लगा तो दोस्तों हम अपनी बाइक का मॉडिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले जल्दी। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।